हाँ जी, क्या हाल है सबके? आई होप सब बढ़िया हो गए। तो यार, आ गया अपना कैमरा और ये रहा लैपटॉप। छोटा सा है, पतला सा, यार मैकबुक की तरह लगता है, अच्छा है। और कैमरा भी ये DJI ओसमो एक्शन है। एक्चुअली मैं और भी मंगा सकता था कोई, बट अभी नहीं, अभी के लिए यही ठीक है। और इससे तो मैंने ब्लॉगिंग वगैरह भी स्टार्ट कर दी, 2-3 वीडियो भी मैंने शूट कर लिया है और इससे काम भी स्टार्ट कर दिया। तो इनकी परफॉर्मेंस लैपटॉप की भी अच्छी है और कैमरा भी गुड है। तो और कैमरे के साथ में यार मैंने कुछ एक्सेसरी वगैरह भी मंगाई है 2-3। और इसके साथ, इसका तो कुछ नहीं मंगाया, इसका चार्जर ही आया है तो वही है। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं और मैं दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है। अनबॉक्सिंग तो ऐसे ही रहेगी नॉर्मल से, क्योंकि कोई टेक्निकल से तो मैं हूँ नहीं। तो कोई बात नहीं यार, जैसे भी है जो भी रहेगी देख लेना। तो चलिए इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा अपना कैमरा ऊपर रखा हुआ और ये नीचे है लैपटॉप। तो देखते हैं, इनको अनबॉक्स करते हैं दोनों को और देखते हैं कैसी पैकिंग है। वैसे तो यहाँ पे पैकिंग बहुत ज़बरदस्त करते हैं, तो दिखाते हैं फिर आपको आगे। तो सबसे पहले कैमरा अनबॉक्स करेंगे, तो लैपटॉप को रखते हैं साइड में, कैमरा को करते हैं अनबॉक्स। ये लेके आया हूँ मैं एक चाकू। अनबॉक्सिंग करने की अपने को कोई एक्सपीरियंस नहीं, ठीक है, जैसे भी है मैनेज कर लेना, टेक्निकल गुरुजी नहीं हूँ इसलिए। ओके, देखते हैं कैसे क्या पैकिंग है। वैसे पैकिंग तो इनकी ज़बरदस्त रहती है। ये है, ये इसमें रखा है हमारा डब्बा ओसमो एक्शन। यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, तो ये यार मैं बताऊंगा नहीं, आपको देखना है तो किसी और पे जाके देख लेना। ये देखो 4K 60 FPS 8x जूम है और काफ़ी सारी डिटेल वैसे इसमें लिखी हुई है, पर ये आपको इसके बारे में देख लेना किसी और वीडियो में। तो इसको रखते हैं साइड और इसको करते हैं ओपन। यार एक्चुअली ना, मैं लेने को तो और भी कैमरा ले सकता था, बट इसके मैंने रिव्यू वगैरह अच्छे देखे थे, काफ़ी टाइम से इसको मैं देख रहा था, तो इसलिए गोप्रो महंगाई बहुत है यार। और मैं एक्चुअली ना हमेशा से यार ज़्यादा ब्रांडेड के पीछे नहीं भागता मैं, जिस चीज़ में सारी चीज़ मिल जाती है चाहे वो सस्ता ब्रांडेड हो या ना हो उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये भी यार वर्ल्ड वाइड कैमरा है, इसके भी सारे जो भी फीचर हैं बढ़िया हैं, बहुत सारे इसके मैंने कंपेयर किया गोप्रो से और भी कैमरे से, फिर जाके मैंने इसे लिया। तो ये रहा हमारा कैमरा अपने स्टैंड में लगा हुआ, इसको निकालते हैं। बहुत प्यारा है यार, छोटा सा है लेकिन प्यारा है। ये देखो, तो अच्छा है। और ये लेंस को निकालते हैं, इसका जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है एक इसमें भी लगा हुआ है, पता नहीं क्या डाल रखा है पैकिंग में, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। तो इसको इसमें से निकालते हैं, इस खुल गया, इसको निकालते हैं बाहर। तो ये निकल आया गंदी सी अनबॉक्सिंग के साथ, और इसमें भैया बैटरी नहीं है, तो इसका बैटरी हमें अंदर देखना होगा। तो देख लो, अच्छा लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा है। और इसके अंदर और देखते हैं क्या है, ये भी ऐसे ही बेवजह है। और ये छोटा सा और डब्बा है, इसमें है एक बैटरी, ये है बैटरी कंपार्टमेंट, और ये है USB, और इसका ये एक होल्डर, और इसमें एक ये है माउंट होल्डर, जो चाहे तो आप गाड़ी में लगा लो, स्कूटर में लगा लो, या कहीं पे भी लगा लो। तो ये रही भाई साहब गंदी सी जैसे भी अच्छी सी एक अनबॉक्सिंग, जो फर्स्ट टाइम किया मैंने।
और अच्छा लगा यार मुझे कैमरा। एक्चुअली मैं छोटा चाहिए था कैमरा भी मुझे, जो कि हैंडी रहे, और भी इसके मतलब जो सामान है एसेसरी वो मैंने मंगाई नहीं। मैंने पहले इसमें देखना था मुझे कि यार इसमें क्या है, देखते हैं क्या क्या है, फिर उसके बाद ही मैं जो भी माइक वगैरह भी मंगाऊंगा मैं इसमें, तो देखते हैं। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ तो है नहीं यार, ये एक बैटरी होगी इसके अंदर, इसकी सारी एसेसरी वगैरह हैं तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इसे साइड में करते हैं, अब अपना मेन जो लैपटॉप है उसको अनबॉक्स करते हैं ऐसी गंदी सी अनबॉक्सिंग के साथ में। ये आया हमारा लैपटॉप। ये लैपटॉप भी यार मैंने मुझे लेना था एक्चुअली, मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि यार कौन सा लूँ, फिर बाद में फाइनली मुझे ये लगा कि यार इसको लेता हूँ। एक्चुअली मैंने मुझे नॉर्मल यूज़ के लिए चाहिए था, जैसे कि मुझे यूट्यूब में YT स्टूडियो वगैरह का अपना सेटिंग करना होता है उसके लिए। तो इसको अनबॉक्स करते पहले, और ये है हमारा मेन बॉक्स, तो इसको घुमाते हैं और इधर से ओपन, ये हो गया है उल्टा, इसको ऐसे करेंगे ओपन। ये हमारा रखा हुआ है लैपटॉप। ये बहुत पतला है यार, और नोटबुक है, मुझे पतला ही चाहिए था छोटा सा, नहीं तो और भी काफ़ी सारे थे लैपटॉप, तो पर मैं मुझे लगा कि नहीं इसे मंगाना चाहिए। तो ये देखो बहुत बढ़िया है यार, ये देखो प्यारा लग रहा है, भारी भी है, और ये HP जैसे का लोगो लग रहा है, बट ये HP नहीं है, ये फॉरेन कंट्री में अवेलेबल है। अगर किसी को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो चेकआउट कर सकते हैं आप। और ये इसमें और क्या है, ये है पर्सनल कंप्यूटर यूज़र मैनुअल, जो कि हमें पढ़ना नहीं है। ये वारंटी कार्ड भी है इसका सर, देखिए इसमें थोड़ा स्पेसिफिकेशन लिखे हुए हैं, कैमरा, LCD, हेडफोन प्लग, DC हॉल, स्पीकर, 3USB, 6USB, टच पैड, और ये सारी चीज़ें जो कि इसको हम पढ़ेंगे नहीं, इसको रखेंगे साइड में। और देख लेते हैं इसमें क्या है। ये रहा भैया चार्जर, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इसको रखते हैं साइड में। तो इसको कर लेते हैं ओपन। बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यार मुझे, रियली आई लाइक दिस। ये पूरी मेटल का बॉडी है, और इससे काफ़ी बड़े बड़े थे ये, बता दूँ मुझे ये 20,000 का पड़ा है, और जो कैमरा था वो 34,000 का है। ये सिर्फ 20,000 येन का है, तो इंडिया के लगा लो आप 11-12-13 हज़ार के बीच में, या 13,500 होगा, इससे ज़्यादा नहीं है, बट ये ज़्यादा नॉर्मल यूजर्स के लिए है। इसमें अगर कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करना चाहे तो वो नहीं कर सकते, बट मुझे तो सिर्फ अपने उसके लिए चाहिए था, यूट्यूब के स्टूडियो चलाने के लिए। और ये देख रहे हो इसका कैमरा है यहाँ पे, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और इसका कीपैड वगैरह बिंदास है, और देखिए टच पैड है, और बढ़िया है। तो इसको एक बार ओपन भी कर लेते हैं अगर बैटरी हो तो, आई थिंक इसमें बैटरी नहीं है, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं बैक साइड से। ये रहा बैक साइड, और बढ़िया यार। इफ अगर आपको नॉर्मल यूजर्स चाहिए ना, मीन्स मूवी वगैरह देखनी है, वीडियोस देखनी है, तो उसके लिए अच्छा है। देखो यहाँ पे ये एक एयरफोन के लिए दिया रखा है, और ये USB के लिए है, काफ़ी सारे इसमें सारा कुछ दे रखा है। एक देखिए मेमोरी कार्ड वगैरह आप लगा सकते हैं, और ये भी एक USB का है। तो इसमें आई थिंक यार बैटरी नहीं है, बाकी ये सिल्वर कलर है, अच्छा लग रहा है भाई साहब। चार्ज तो होना चाहिए था आपको, ये दोस्तों चार्ज नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा चार्ज में लगाता हूँ, फिर इसका फर्स्ट लुक आपको देता हूँ। तो गाइज ये हो गया चालू, इंटेल इनसाइड। ये जो एक्चुअली चार्जिंग केबल है, मैं हेडफोन के साइड में लगा दिया था, इसलिए ही ये चार्ज नहीं हो रहा था। तो देखो यार ये फुल स्क्रीन है, देखो यहाँ पे पूरा अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा फुल स्क्रीन में है ये, तो यार अच्छा लग रहा है मुझे। मेरा नॉर्मल सा यूजेस है, मुझे ज़्यादा कोई इसका अभी यूज़ नहीं करना, बाकी अभी जितना बजट था उतना ले लिया। गाइज ये पूरा डेटा है, इसलिए इसे लगेगा टाइम। तो ठीक है यार, यही था एक, ये अपना कैमरा हो गया, ठीक है। और
ये कैमरे के साथ ही ये था। भाई साहब आप लोगों के लिए वीडियो अच्छी बनानी थी इसलिए कैमरा भी ले लिया, लैपटॉप भी ले लिया, क्योंकि मेरा मोबाइल से थोड़ा ना डेस्कटॉप साइड जब ओपन करता था थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। नहीं तो मेरे पास तो आईफोन भी है और भी एंड्रॉयड भी है, तो इसी में से आप सब कुछ करेंगे कैमरे से भी वे। और अभी सब सस्ता सा लिया यार, अभी ज़्यादा बजट नहीं था। बाकी आप लोग सपोर्ट करोगे, साथ दोगे, तो कभी ना कभी DSLR भी ले लेंगे, मैकबुक भी ले लेंगे, जो मर्जी आएगा तो ले लेंगे। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, साथ बना रहे, बाकी क्या चाहिए यार लाइफ में, है ना। जितना भी मिल रहा है उतने में ही खुश हैं। तो मेरे रूम पे हो गया बहुत ज़्यादा कचरा, देखो इधर भी इधर भी इधर भी। अब इसको करते हैं पहले सफाई, फिर बाद में आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो यार ये जो मैंने साथ में एक्सेसरी मंगाई है, क्योंकि ये ज़रूरी है एक्शन कैमरा के लिए। तो देखिए एक माइक अडॉप्टर है, इसमें देखो डुबल जैक है, एक ये 3.5mm जैक है और एक सी टाइप का जैक है। तो अगर जो भी आपके माइक का जैक है उसको यूज कर सकते हैं। अभी मैंने इसको निकाल रखा है, इसके ऊपर लगा हुआ था गार्ड, बट अगर ये अडॉप्ट करना है ना, अगर इसको माउंट करना है तो ये ज़रूर निकालना ही पड़ेगा। तो इसको ऐसे माउंट करते हैं। और इसी के साथ में ये माइक मंगाया मैंने, तो ये माइक ऐसे लगाओ और ये जब ऐसे शूट करते हैं ना बिल्कुल फेस के सामने आता है, तो जो वॉइस आती है अच्छी जाती, क्लियर जाती है और नॉइज़ कैंसलेशन भी होता है, क्योंकि मैंने इसमें एक दो वीडियो ऑलरेडी बना रखी है तो उसकी वॉइस वगैरह अच्छी है। तो ये था। और ये देखो एक मेमोरी कार्ड मैंने मंगा रखा है 64GB का, ये गीगा स्टोन है, जैपनीज ब्रांड है। एक्चुअली मैं सैंडिक्स भी मंगा रहा था, बट सैंडिक्स का थोड़ा सा महंगा पड़ रहा था और इसकी जो डाटा रीडिंग स्पीड है ना सैंडिक्स से ज़्यादा है, तो मैंने फिर इसी को मंगाया क्योंकि थोड़ा सस्ता भी पड़ा मुझे। तो 64GB मुझे लगता है इनफ है। और एक मैंने ये गार्ड मंगा रखा है, इसको तो मैंने यूज़ भी किया हुआ है, तो इसमें दो पीस थे तो मैंने मंगा लिए थे यार, क्योंकि ज़रूरी है। इसमें मैंने ऑलरेडी यूज़ कर रखा है, लगा रखा है, देखो थोड़ा सा सही से फिटिंग भी नहीं हुआ, लेकिन ये नाइट में लगाया था इसलिए सेट नहीं हुआ, नहीं तो ये बिल्कुल सेटिंग का होता है, इसमें दिक्कत नहीं आती ज़्यादा लगाने में। तो बस यार यही मंगाया, बाकी तो और सामान भी ट्राईपॉड वगैरह मैं यूज़ करता हूँ जो पहले ऑलरेडी ख़रीद रखा है, बाकी जो जो भी ज़रूरत पड़ती रहेगी मंगाते रहेंगे, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यार ठीक है, ये थी अपनी गंदी सी अनबॉक्सिंग और इस वीडियो में यार यहीं तक। वीडियो क्या ही पसंद आया होगा, पर मुझे लगा यार जो भी है जैसा भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो शेयर किया। बाकी आप लोग देख लेना, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लेना, जो भी चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों के लिए जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूं। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।